हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का पार्ट टू, जिसमें हम आपको बताएंगे ब्रोमीलेन के बारे में। इसे पहले पार्ट मींस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पार्ट वन में हमने पपेन के बारे में डिटेल में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्या है? ये पाइनएप्पल का फ्रूट है। और आज जिस एंजाइम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, मींस ब्रोमीलेन, जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, वो इस पाइनएप्पल से ही हमको ऑब्टेन होता है। इस पाइनएप्पल के फ्रूट से या इस पाइनएप्पल के स्टेम से हमको ये ब्रोमीलेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन होता है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से ये ब्रोमीलेन एंजाइम जो है इस पाइनएप्पल के फ्रूट से, पाइनएप्पल के स्टेम से हमको ऑब्टेन होता है। क्या इसका सोर्स है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मींस क्या फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे, और इसको कहां कहां पे इसको यूज किया जाता है। तो ये जो ब्रोमीलेन है, जो हमको पाइनएप्पल के फ्रूट, पाइनएप्पल के स्टेम से जो ऑब्टेन होता है, इसको डिफरेंट यूजेस है। इसको यूज किया जाता है मेडिसिनली, इसको यूज करते हैं, बहुत सारी इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इसको फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और कॉस्मेटिक्स में भी इस ब्रोमीलेन को यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं ब्रोमीलेन के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल सोर्स। इस ब्रोमीलेन को ब्रोमीलेन भी बोलते हैं, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स, जैसा हमने आपको बताया, ये क्या है? ये ब्रोमीलेन जो है मिक्सचर्स ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब कि ऐसे एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं, प्रोटियो मींस प्रोटीन की लाइसिस करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, मींस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो इन पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है ये एंजाइम, और इसी कारण से इस एंजाइम को हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो ब्रोमीलेन भी क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। कहां से हमको ऑब्टेन होता है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये इसको आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है फ्रॉम द फ्रूट जूस, मींस पाइनएप्पल के फ्रूट के जूस से हम ब्रोमीलेन को आइसोलेट करते हैं, या तो उसके स्टेम से हमको ऑब्टेन करते हैं। और ये जो पाइनएप्पल का जो प्लांट है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? अनानास कोमोसस। अनानास कोमोसस इसका बॉटनिकल नेम है। और इस प्लांट का फैमिली क्या है, कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? ब्रोमीलिएसी। तो आप इस ब्रोमीलेन से इसको याद कर सकते हैं, इसकी फैमिली क्या है? ब्रोमीलिएसी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बाद इसका प्रिपरेशन। तो किस तरीके से इस पाइनएप्पल के फ्रूट और पाइनएप्पल के स्टेम से ब्रोमीलेन एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है? तो या तो एसीटोन प्रेसिपिटेशन मेथड से करते हैं, या तो अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन मेथड से किया जाता है। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, ये पाइनएप्पल का फ्रूट है, तो क्या करते हैं, इसको पिल किया जाता है। पिल किया जाता है मतलब इसको छीला जाता है, और उसके बाद उसके अंदर का जो कोर है, उसको पल्प है, उसको क्रश करते हैं, उसको प्रेस किया जाता है टू ऑब्टेन जूस। और जूस प्रिपेयर होने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। तो पाइनएप्पल का जो जूस है, उसको 0-4 डिग्री सेल्सियस में ठंडा करते हैं, और उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाता है, तो फिल्टर करते हैं थ्रू द फाइन क्लॉथ, और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, और ऊपर जो फिल्ट्रेट है वो क्या होगा, उसी को कलेक्ट किया जाता है। ऊपर मतलब कि जो सुपरनेटल लिक्विड है उसको कलेक्ट करते हैं, मींस जो फ्रूट जूस है वो उस लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है, और उस सुपरनेटल लिक्विड को, फ्रूट जूस को कलेक्ट करने के बाद उसमें हम कोल्ड एसीटोन डालते हैं। कोल्ड एसीटोन डालने पे क्या होता है, उसमें जो ब्रोमीलेन होता है वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ कोल्ड एसीटोन। और ब्रोमीलेन में जो प्रेसिपिटेट है उसको किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, ब्रोमीलेन का प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं, वो जो लिक्विड है जिसमें ब्रोमीलेन का प्रेसिपिटेट है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होता है, जितना भी प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल हो जाता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, और ऊपर जो है लिक्विड कलेक्ट हो जाता है। तो सुपरनेटल लिक्विड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो प्रेसिपिटेट है, मीन्स जो ब्रोमीलेन प्रेसिपिटेट है उसको कलेक्ट करते हैं। प्रेसिपिटेट को कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। तो उसके बाद जो हमको ब्रोमीलेन ऑब्टेन होता है, उसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है, और इसके बाद हमको मिलता है प्योर ब्रोमीलेन। तो इस तरीके से हम एसीटोन प्रेसिपिटेशन मेथड से हम फ्रूट जूस से किस तरीके से ब्रोमीलेन को ऑब्टेन करते हैं, तो इसका मेथड है।
इसके अलावा ये रिपोर्टेड है कि ये जो ब्रोमिलिन है ये इस फ्रूट के अलावा इसकी जो पेल है इसका जो छिलका है इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसका जो क्राउन है इसमें भी प्रेजेंट होता है, और जैसा कि हमने आपको बताया इसके अंदर के कोर मतलब कि इनर पार्ट में भी ये ब्रोमिलिन प्रेजेंट होता है। बट हम कमर्शियल लेवल पे क्या किया जाता है, इस ब्रोमिलिन को पाइनएप्पल फ्रूट से उसको आइसोलेट किया जाता है और पाइनएप्पल स्टेम से इसको ऑप्टेन करते हैं। और इंडस्ट्रियली मीन्स कमर्शियल लेवल पे जब हम ब्रोमिलिन को ऑप्टेन करते हैं वो पाइनएप्पल स्टेम से इसको ऑप्टेन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अमोनियम सल्फेट प्रिसिपिटेशन मेथड। तो क्या किया जाता है, क्रूड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, क्रूड एक्सट्रैक्ट मतलब कि ये अगेन जो है वही फ्रूट को क्या किया जाता है, पील करते हैं, क्रश करते हैं, उसका जूस ऑब्टेन किया जाता है। अगर स्टेम ले रहे हैं तो स्टेम का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है, और इसके बाद जो क्रूड एक्सट्रैक्ट मिलता है जिसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें ब्रोमिलिन प्रेजेंट है, तो अमोनियम सल्फेट डाला जाता है। अमोनियम सल्फेट हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते जाते हैं जिसको हम मेंटेन करके रखे हैं 5-8 डिग्री सेल्सियस में, और जब तक कि सैचुरेशन नहीं पहुंच जाता मतलब सैचुरेशन पहुंचने तक हम अमोनियम सल्फेट को ऐड करते हैं और उसको रख दिया जाता है 30 मिनट्स के लिए एट द सेम टेम्परेचर, और उसके बाद हम कंटिन्यू क्या करते हैं, स्टेरिंग किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो क्या होता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है ब्रोमिलिन का, मीन्स उस एक्सट्रैक्ट में जो ब्रोमिलिन प्रेजेंट है वो अमोनियम सल्फेट डालने पे प्रिसिपिटेट हो जाता है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करने पे जो ब्रोमिलिन प्रिसिपिटेट है जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में नीचे सेटल हो जाता है उसको कलेक्ट किया जाता है, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो हमने आप लिखा है ब्रोमिलिन प्रिसिपिटेट कलेक्टेड एंड सुपरनेटेड लिक्विड डिस्कार्डेड। तो ब्रोमिलिन प्रिसिपिटेट को कलेक्ट करते हैं, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसको पैक किया जाता है। तो इस तरीके से एसीटोन प्रिसिपिटेशन मेथड और अमोनियम सल्फेट प्रिसिपिटेशन मेथड से हम ब्रोमिलिन को आइसोलेट करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये जो ब्रोमिलिन पाउडर है इसको हम जब आइसोलेशन के बाद इसको ड्राई किया जाता है तो उसके बाद वो किस तरीके से वो दिखता है, तो कलर क्या होता है ब्रोमिलिन का, तो ब्रोमिलिन का कलर होता है बफ कलर्ड पाउडर होता है, या तो ये लाइट ब्राउन कलर का पाउडर होता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर लेस टू स्लाइटली पुट्रिड टेस्ट होता है। पुट्रिड मतलब क्या होता है, जब इसे सड़ जाता है तो एक अनप्लीजेंट सा स्मेल आता है, उसको हम पुट्रिड स्मेल बोलते हैं। और इस ब्रोमिलिन का टेस्ट क्या होता है, इरिटेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में ब्रोमिलिन जो है सॉल्युबल होता है वाटर एंड ग्लिसरॉल में, बट इसकी इनसॉल्युबिलिटी होती है इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म, ईथर। इस ब्रोमिलिन एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, ऑप्टिमम पीएच जिसमें वो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, मींस अपनी प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी शो करता है, तो वो ऑप्टिमम पीएच क्या है, पीएच रेंज है 5-8 पीएच में ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी पीएच 7 पीएच 8 होती है, और इन द सॉल्यूशन फॉर्म में ये लेस देन पीएच 3 में और मोर देन पीएच 9 मतलब कि पीएच 3 से कम और पीएच 9 से अगर ज्यादा होता है तो इसकी क्या होती है, ये एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाता है, मींस इसकी जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसके बाद इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर रेंज पे ये अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मींस प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है, तो वो है 50-60 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन बहुत से जो अदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो इस टेम्परेचर रेंज पे क्या होते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं, बट ब्रोमिलिन एंजाइम जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी 50-60 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये डीनेचर नहीं होता है, मींस अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है इसकी डिस्ट्रॉय नहीं होती है इस टेम्परेचर रेंज में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड लिमिट है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दो टाइप के ब्रोमिलिन होते हैं जो हमको ऑप्टेन होते हैं, जो फ्रूट से हमको ऑप्टेन होता है फ्रूट जूस से वो उसको हम फ्रूट ब्रोमिलिन बोलते हैं, और जो हमको स्टेम से जो ऑप्टेन होता है वो हमको उसको हम स्टेम ब्रोमिलिन बोलते हैं। तो फ्रूट ब्रोमिलिन जो कि एसिडिक नेचर का होता है और इसका मोलिकुलर मास होता है 31,000 डेल्टा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इसका 4.6। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ऐसे पॉइंट ऐसा पीएच जिसमें कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस प्रोटीन में और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, जिससे नेट चार्ज होता है जीरो हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं ये न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है फ्रूट ब्रोमिलिन का, वो है पीएच 4.6। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टेम ब्रोमिलिन, जो स्टेम से ऑप्टेन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 24.5000 डेल्टा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इसका 9.55 पीएच। उसके बाद कमर्शियली अवेलेबल ब्रोमिलिन
जो कमर्शियली जो ब्रोमिलियन जो अवेलेबल होता है इंडस्ट्रियली अगर उसको यूज किया जाता है जो इस ब्रोमिलियन को वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसा हमने आपको बताया था पाइनएप्पल स्टेम से उसको ऑब्टेन किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन द एंजाइम एक्टिविटी ओवर द वाइड रेंज ऑफ द पीएच, क्योंकि ये जो स्टेम ब्रोमिलियन है इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो शो करता है ओवर द वाइड रेंज ऑफ द पीएच, इसी कारण से कमर्शियली जो अवेलेबल ब्रोमिलियन होता है उसको स्टेम से उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये हो गया ब्रोमिलियन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इस ब्रोमिलियन की केमिस्ट्री और इसको कहां कहां पे इसको यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री ऑफ ब्रोमिलियन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था ब्रोमिलियन इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, मतलब कि ये जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, मीन्स प्रोटीन्स में जो किससे बना हुआ है अमीनो एसिड से बना होता है, तो इस अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो एंजाइम है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं बाय ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम होते हैं जिसको हम प्रोटीएसेस बोलते हैं प्रोटीलाइटिक एंजाइम को। और इस ब्रोमिलियन में प्रोटीलाइटिक एंजाइम के अलावा अदर नॉन प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ग्लूकोसाइडेस, परोक्सीडेसेस, फॉस्फेटेसेस, सेल्यूलेस, और इसके अलावा इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया ब्रोमिलियन का जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेम ब्रोमिलियन होता है वो ग्लाइकोजाइलेटेड होता है, इसका मतलब कि इसमें जो है प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन होता है, ये अबाउट 24.5000 डेल्टॉन्स का मॉलिक्यूलर मास होता है, 212 अबाउट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं फोल्डेड इन द टू स्ट्रक्चरल डोमेन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। और इसमें न्यूमरस हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू ये जो होता है ये टू स्ट्रक्चरल डोमेन जो होता है समीन प्रोटीन का वो स्टेबलाइज होता है। और जो स्टेम ब्रोमिलियन होता है वो मेजर सिस्टीन प्रोटीनेस होता है। सिस्टीन प्रोटीनेस क्या होता है, ये कह सकते हैं सिस्टीन प्रोटीएस, जैसे कि नाम है मतलब इसमें सिस्टीन थायोल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है इस प्रोटीन में वो क्या होते हैं, ये जो है एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, मीन्स ये जो सिस्टीन थायोल ग्रुप होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ड्यूरिंग द कैटलिटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया केमिस्ट्री ऑफ ब्रोमिलियन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ ब्रोमिलियन। तो इस ब्रोमिलियन को यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इसको इस ब्रोमिलियन को यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहला यूज़ हमने लिखा है इट यूज्ड एज़ अ फिब्रिनोलाइटिक, फिब्रिनोलाइटिक जैसे कि नाम है फिब्रिन का लाइसिस करना, ब्रेक डाउन, मतलब ये क्या करता है, ये जो ब्रोमिलियन होता है इसकी एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व द फिब्रिन, और ये क्या करता है ये जो है रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन, मीन्स प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है और ब्लड कोगुलेशन रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उससे भी रिलीफ दिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक भी होता है। एंटी थ्रोम्बोटिक मतलब यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ यूजफुल इन द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेजल्स, और इसी को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन जो हो गया है उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ किया जाता है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस मतलब कि जो ब्लड क्लॉट की वजह से जो वेंस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको हम थ्रोम्बोफ्लेबिटिस बोलते हैं। तो इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, इसके कारण से सॉफ्ट टिश्यू अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है या ओडेमा हो गया है तो ड्यूरिंग द ड्यू टू द सर्जरी और इंजरी की वजह से ओडेमा हुआ है और सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड एज अ डाइजेस्टिव एड, मतलब कि जो ये जो ब्रोमिलियन जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है यूज्ड एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम फॉलोइंग द पैनक्रियाटॉमी। पैनक्रियाटॉमी मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैनक्रियास को हम पैनक्रियाटेक्टॉमी बोलते हैं। और इन द केस ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियास इनसफिशियंसी, पैनक्रियास इनसफिशियंसी होने पे भी इसको एज अ डाइजेस्टिव एड, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको यूज़ किया जाता है और अदर कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में। और ये जो ब्रोमिलियन की डाइजेस्टिव एक्टिविटी क्यों होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज द प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, इसी कारण से इसको एज अ डाइजेस्टेंट इसको यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलाइज द प्रोटीन इन टू ऑलिगोपेप्टाइड्स एंड द अमीनो एसिड्स। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ हमने लिखा हुआ है
फिफ्थ पॉइंट एंटीबायोटिक पोटेंशिएटिंग। एंटीबायोटिक पोटेंशिएटिंग मतलब कि इसको यूज़ करते हैं प्राइमरी फॉर द पोटेंशिएशन ऑफ द एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक के साथ ये दिया जाता है टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक, पोटेंशिएट द एंटीबायोटिक। मीन्स ये क्या करता है, ये जो ब्रोमिलेन है और ये एंटीबायोटिक या अदर मेडिसिन के साथ इसको देते हैं क्योंकि ये उनकी एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, एज वेल एज इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द डीसी टिश्यू विच एनहांस द एसेस ऑफ द एंटीबायोटिक टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब कि ये जो ब्रोमिलेन है ये क्या करता है, ऑर्गन और टिश्यू के परमिबिलिटी को मॉडिफाई करता है जिससे उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है एनहांस होता है और उसका अफेक्ट जो है पोटेंशिएट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉस्मेटिक्स में ब्रोमिलेन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इसको एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है इसका एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द टूथ वाइटनिंग डेंटिफ्राइसिस, और इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्किन प्रोडक्ट्स में टू ट्रीट एक्ने, रिंकल्स, ड्राई स्किन के लिए, और माइल्ड पीलिंग इफेक्ट भी शो करता है। क्लिंजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, फेशियल क्लिंजर या बाथ प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद अदर यूज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट ऑल्सो प्रिवेंट मिनिमाइजेज द सिवियरिटी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इस्केमिक अटैक, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द HIV इन द सीवियस डिसीज में, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज में, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, हेमोराइड्स, मेंस्ट्रुअल पेन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोमिलेन एक्सर्ट एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी शो करता है। और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मोर एविडेंस इज नीडेड टू रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और लेदर इंडस्ट्रीज, तो ब्रोमिलेन जो है उसको लेदर प्रोसेसिंग के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है, और इसको जो प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं उसके डाइंग क्वालिटी इसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फूड इंडस्ट्रीज में ब्रोमिलेन को यूज़ किया जाता है फॉर द टेंडराइजिंग मीट, मीट को टेंडराइज करने के लिए, मीन्स मीट में जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन करता है ताकि मीट क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द बियर, और बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, इट प्रिवेंट द ब्राउनिंग ऑफ द एप्पल जूस एंड एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी इसको यूज़ किया जाता है, और इसको डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो आइडल टेम्परेचर होता है जिसमें ये अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है वो 50 to 70 degrees Celsius में, मतलब कि 50 to 70 degrees Celsius में ये एंजाइम एक्टिव होता है और अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मीन्स प्रोटीलिटिक एक्टिविटी शो करता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस ब्रोमिलेन को यूज़ किया जाता है, मीन्स ये सूटेबल होता है फॉर द फूड प्रोसेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स, मतलब कि ब्रोमिलेन को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स। प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स जैसे कि नाम है, इसमें ये जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ऑलिगोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स और फ्री अमीनो एसिड्स का, इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द पार्शियल और द एक्सटेंसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन, और क्योंकि ये ब्रोमिलेन जो है प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस करता है इसी कारण से इसको प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इस प्रोटीन हाइड्रोलाइजर्स को यूज़ किया जाता है एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। के बाद नेक्स्ट चिल प्रूफिंग रिएजेंट फॉर द बियर, मीन्स ब्रोमिलेन को यूज़ किया जाते हैं एज अ चिल प्रूफिंग रिएजेंट।